आइए शुरू करते हैं। ये टॉक हिंदी इंग्लिश में रहेगी, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा, और बस हाथ खड़ा कर दीजिएगा और मेरे को बता दीजिएगा, उधर यहाँ पे रुक जा, मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये एक्सप्लेन कर दे मेरे को। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने जनों को लगता है कि एक 10-11 साल का बच्चा जिसके हाथ पे मोबाइल फोन रहता है क्या कर सकता है, वो मैक्सिमम क्या कर सकता है अपने फोन से? मैं उधर उधर से ट्राई करता हूँ। अच्छा अब आ रही है। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि एक 10-11 साल का बच्चा जिसके हाथ में फोन है वो अपने फोन से क्या कर सकता है? कोई भी हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं माइक आप तक पहुंचा दूंगा। वीडियो गेम्स खेलेगा और ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मैंने मान लिया कि पढ़ाई भी करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक केस बताता हूँ। कुछ टाइम पहले एक केस हुआ था, एक फैमिली थी, उसमें दादा दादी थे, एक बच्चे के पेरेंट्स थे और बच्चे के अंकल आंटी भी साथ में रहते थे, और बच्चे के साथ थोड़े 2-3 बच्चे और थे उससे छोटे। तो क्या हुआ, एक दिन फैमिली में सबके फोन हैक हो गए, सबको एक दूसरे के फोन से अलग अलग धमकी भरे मैसेज आने लगे। तो फैमिली में बड़ी टेंशन हो गई कि यार ये क्या हो रहा है, हम सबके फोन एक साथ कैसे हैक हो सकते हैं, और जिसने हैक किया था उसको घर की सारी चीजें पता थी कि कौन से घर में पंखा चल रहा है, कब गैस ऑन है, कौन क्या कर रहा है, किस कमरे में। तो खैर इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने सबके फोन की इन्वेस्टिगेशन करी, तो पता लगा कि सबके फोन में व्हाट्सएप तो था ही, और आजकल फीचर होता है कि व्हाट्सएप को आप किसी और डिवाइस से लिंक कर सकते हैं। तो उनके परिवार में जो बच्चा था, 10-11 साल का बच्चा था, उसने अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से सबके मोबाइल, सबके व्हाट्सएप लिंक कर लिए थे। तो उसके पास सबके व्हाट्सएप का एक्सेस था, और वो एक्सेस यूज करके वो सबको मैसेजेस भेजता था एक दूसरे के फोन से। तो किसी को नहीं पता लगता था कि भाई कौन भेज रहा है, सबको ये लगता था कि किसी ने हैक कर लिया है हमारा फोन और वो हमारे घर में घुस के कैसे तो बैठा हुआ है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि लगता है हमें कि 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे क्या कर लेंगे, बट वो टाइम गया। आज के बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, तो और उतनी ही जरूरत है हमें एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होने की, एक रिस्पॉन्सिबल ग्रैंड पेरेंट होने की, कि हमारा बच्चा, हमारा पोता या हमारा पोती पोती या बेटी फोन पे क्या कर रहा है उस पर नजर रखने की। तो खैर ये तो एक स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको केस बता दिया, आइए आज की टॉक शुरू करते हैं। आज का टॉक का टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉडर्न साइबर फ्रॉड्स। तो मैंने ये सोचा कि यार आजकल क्या नए फ्रॉड्स चल रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आए दिन नहीं आती रहती है, तो आजकल कुछ क्या नए तरीके से लोग स्कैम कर रहे हैं, जो काफी, तो आपको पता होगा कि भाई किसी ने फेसबुक में मैसेज कर दिया किसी और को बनके और वो पैसे मांग रहा है, या आपके पास एक फेक कॉल आ गया वो पैसे मांग रहा है आपसे। तो ये सब आज की डेट में कॉमन है, इनके बारे में आपने न्यूज भी पढ़ी होगी। तो इन्हीं फ्रॉड्स के ऊपर मैं आज बात करूंगा। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे फ्रॉड होता है, एक केस स्टडी में आपको दिखाऊंगा कि उस केस में क्या हुआ, और देन कुछ टिप्स दूंगा मैं आपको कि अपने को, अपने फैमिली को इन साइबर फ्रॉड से सुरक्षित कैसे रखना है। पर आइए उससे पहले थोड़ा सा मनोरंजन कर ले, 2-3 वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं, वो देख लेते हैं एक बार। I am not Morgan Freeman. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I'm not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? We're entering the era in which our economy. तो पहला वीडियो जो आपने देखा, एक हॉलीवुड के बहुत ही मशहूर एक्टर है मॉर्गन फ्रीमैन, उनका वीडियो था।
अब दूसरा वीडियो हम देखने जा रहे हैं एक्स यूएस प्रेसिडेंट 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा को. For instance, they could have me say things like, Killmonger was right, or Ben Carson is in a something place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but... बराक ओबामा का. अब एक अक्षय कुमार की छोटी सी मूवी लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, वो भी देखते हैं. तो अक्षय कुमार हॉलीवुड में, आपको पता है, एक मूवी में उन्होंने एक्ट किया था, ये वही मूवी है. सबको एक्टिंग अच्छी लगी अक्षय कुमार की, तो एक बार ताली बजा दी थी जोर से, मजा आ गया. अभी और भी मजा आएगा. आप में से कितने लोगों को लगा कि जो मैंने तीन वीडियो देखा है उसमें कुछ गड़बड़ी है? तीनों वीडियो नकली थे ना. पहले वीडियो में वो मॉर्गन फ्रीमैन थे, ना दूसरे वीडियो में बराक ओबामा ने वो बातें कभी कही, और ना ही ये अक्षय कुमार है. किसी और एक्टर के ऊपर अक्षय कुमार का चेहरा चिपकाया हुआ है, किसी और व्यक्ति ने बराक ओबामा की आवाज और उनके फोटो यूज करके, उनका कोई और वीडियो क्लिप यूज करके वो वीडियो बनाया है. और जो पहला वीडियो था वो तो कम्प्लीटली आपका सिंथेटिकली जनरेटेड है. मॉर्गन फ्रीमैन ने कभी ना वैसी कोई रिकॉर्डिंग करी, ना वैसा कोई वीडियो बनाया है. आपको ये तीन वीडियो दिखाने का मकसद मेरा इतना ही था कि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि इस तरह के वीडियो पॉसिबल हैं, कि आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कह रहे हैं, पर कोई आपका वीडियो बना सकता है आपको कुछ ऐसा करते हुए, कुछ ऐसा कहते हुए जो आपने कभी कहा ही नहीं, जो आपने कभी करा ही नहीं. तो इसलिए, और इसका सबसे आसान तरीका है अपने को जागरूक रखना, अपने को इन टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी लेते रहना. नहीं, मेरी टॉक यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, ये मैंने सिर्फ प्रैंक के लिए यहाँ पे स्लाइड डाली थी. आइए अब असली एजेंडा शुरू करते हैं. तो अब इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ साइबर क्राइम क्या है इंडिया में. मैं सिर्फ इंडिया और उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, दो ही स्लाइड बनाई है. फिर हम एक साइबर फ्रॉड की डेफिनेशन को समझेंगे थोड़ा बारीकी से. फिर मैं तीन चार केस स्टडी लाया हूँ आपके लिए डिफरेंट फ्रॉड्स की, जो रिसेंट टाइम्स में ही हुए हैं, हम उन पे बात करेंगे. फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे साइबर फ्रॉड रिपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत आसान है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये. फिर एक छोटा सा क्विज है 5 क्वेश्चन का, जिसमें मैं आपके लिए थोड़े से गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, तो जो भी सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा. और फिर मैं स्टेज ओपन कर दूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. जितना मेरे को पता होगा उतना मैं आपको बता दूंगा, जितना नहीं पता होगा वो मैं बाद में बताऊंगा. तो आइए शुरू करते हैं. तो ये डेटा है 2021 का, और ये डेटा लिया गया है data.gov.in. यहाँ पे आप, यहाँ पे सरकार कई तरह का डेटा पब्लिश करती है. ये इन्होंने साइबर क्राइम का डेटा 2021 का पब्लिश किया गया है, अभी नया डेटा नहीं आया है, तो फिलहाल इसी से काम चला रहा है. इसमें अगर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में, जो ब्लू में दिख रही हैं आपको स्टेट्स, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम रिपोर्ट किया गया है 2021 में. कर्नाटका, जो कि येलो कलर में है, वो सेकेंड प्लेस पे था 8136 केसेस के साथ. महाराष्ट्र और असम तीसरे प्लेस पे थे. और 2021 के कंपैरिजन में
10 लाख साइबर कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं, जो कि 168% का इंक्रीमेंट है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो ये तीन चार बातें दर्शाती है। पहली तो ये कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लिटरेट स्टेट मानी जाती है वहां पे क्राइम नहीं होते, वहां पे भी क्राइम होते हैं। और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि ये सारे क्राइम्स किसी देश के एक कोने में ही होते हैं, पूरे देश में होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ में हमारा उत्तर प्रदेश है, साउथ में कर्नाटका है और तेलंगाना भी है, और नॉर्थ ईस्ट में हमारा आसाम है। आइए दूसरी साइड पर चलते हैं। अब ये डेटा है उत्तर प्रदेश का, इसमें हम दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए 2021 में, उसमें सबसे ज्यादा केसेस किस चीज के थे। तो सबसे ज्यादा केसेस थे हमारे चीटिंग और फॉर्जरी के, किसी ने धोखाधड़ी कर दी या जाली सिग्नेचर, जाली डॉक्यूमेंट्स बना लिए। दूसरी कैटेगरी थी पब्लिशिंग ऑफ ऑब्सीन मटेरियल, कि किसी की व्यक्तिगत फोटो या वीडियो लीक कर दिए। ये दो कैटेगरी थी 2021 में जो सबसे टॉप पे थी। तो अब देखते हैं कि साइबर फ्रॉड होता क्या है, किसको कहते हैं साइबर फ्रॉड। तो बहुत सरल डेफिनेशन है कि कोई भी एक्ट जो किसी इंसान को डिसीव या छल करने के इंटेंट से करी गई हो, और उस एक्ट को करने के लिए उस इंसान ने किसी साइबर रिसोर्स के थ्रू या तो वो इंफॉर्मेशन जनरेट करी है या साइबर रिसोर्स का यूज किया है उस इंफॉर्मेशन को, उस मिस इंफॉर्मेशन को या फॉल्स इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल गेन के लिए। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अगर हम बात करें बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वाया अ साइबर रिसोर्स, ये हो गया कि आपके पास कोई ईमेल आया, ईमेल में कोई लिंक था, आपने लिंक पे क्लिक किया और आपका अकाउंट हैक हो गया या आपके पैसे अकाउंट से डेबिट हो गए। दूसरा है जनरेटेड यूजिंग अ साइबर रिसोर्स। तो जो हमने वीडियो देखे थे वो इस केस में फॉल करते हैं, कि जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है क्या वो इंफॉर्मेशन असली है, कैसे पता लगाएंगे आप। और इलेक्शन के टाइम पे स्पेसिफिकली उसका एक इफेक्ट समझिए कि लोगों के ऊपर, अगर लोगों के पास अगर वो वीडियो जाएगा जिसमें मोदी जी कुछ कह रहे हैं जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं है या वो कभी कहेंगे ही नहीं, तो इलेक्शन के टाइम पे क्या इफेक्ट होगा उसका। और ऐसा नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। और कई बार कई केसेस में तो हमें पता भी नहीं लगता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सच है कि झूठ है। लास्ट में हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल गेन्स की। डायरेक्ट फाइनेंशियल गेन हो गया कि भाई किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होकर उसके अकाउंट में या किसी उसके एसोसिएटेड किसी अकाउंट में चले गए। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल गेन है कि आपका अकाउंट उसने हैक तो कर लिया, लेकिन उसने आपके अकाउंट से, मान लीजिए आपका ईमेल अकाउंट ही हैक कर लिया उसने, पर उससे उसका कुछ फाइनेंशियल गेन डायरेक्टली नहीं हुआ क्योंकि आपसे पैसे नहीं लिए, पर आपकी ईमेल अकाउंट का एक्सेस उसने किसी और को बेच दिया। अब वो जिस किसी और को बेचा वो आपकी ईमेल का आईडी के साथ कुछ भी कर सकता है। और अगर ईमेल आईडी भी एक एग्जांपल है, इसको आप सोशल मीडिया अकाउंट कह सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर अकाउंट भी कह सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट भी कह सकते हैं। तो अगर वो किसी को बेचता है तो उससे उसको इनडायरेक्टली फाइनेंशियल गेन हो रहा है। तो ऐसी कोई भी एक्ट एक साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में आती है। अब हम देखेंगे कुछ केस स्टडीज जो आज रिसेंटली ही करी गई है। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी फ्रॉड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बनाई गई जो फॉल्स है या लोगों को मिसलीड करती है। तो अब पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं किसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी वो टेक्नोलॉजी है जो या तो ह्यूमन बिहेवियर मिमिक कर सकती है या किसी ह्यूमन के बिहाफ पे कोई डिसीजन ले सकती है। किसी भी ऐसे टेक्नोलॉजी को, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे आपका फ्रिज हो, जो आपके बिहाफ कोई डिसीजन ले सकती है। डिसीजन छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है, पर एज लॉन्ग एज वो टेक्नोलॉजी आपके बिहाफ पर डिसीजन ले रही है या एक किसी ह्यूमन के बिहेवियर को मिमिक कर रही है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में फिलहाल दो टेक्नोलॉजी मैं आपके लेकर आया हूँ जो बहुत कॉमनली यूज होती है फ्रॉड करने के लिए। पहली है जनरेटिव AI। जनरेटिव AI शायद आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली यूज टर्म है। ChatGPT सुना होगा आप लोगों ने, कई लोगों ने, न्यूज में काफी बार आया है। ये एक तरह का इवोल्यूशन है। इसको ऐसे समझिए कि पहले इंटरनेट आया, फिर इंटरनेट में वेबसाइट जैसे जैसे बढ़ी तो हमें इंटरनेट पर सर्च करने के लिए कोई टूल चाहिए था, तो सर्च इंजन बने। फिर सर्च इंजन ने हमारी लाइफ बहुत आसान बना दी, क्योंकि एक दो तीन कीवर्ड्स डाल के हम बहुत सारी वेबसाइट्स को एक बार में सर्च कर सकते हैं।
अब क्या हुआ कि सर्च इंजन को आए हुए भी 15-20 साल हो गए, तो डेटा इतना सारा हो गया कि अगर आप कोई गूगल सर्च करते हैं तो आपको वो कम से कम नहीं तो 10 लाख या 1 करोड़ रिजल्ट देता है, जिसमें से हम सिर्फ पहले या दूसरे पेज पे ही जाते हैं, उसके बाद उसके आगे तो हम जाते भी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि जितना भी डेटा नेट पे अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है डेटा, उसको प्रोसेस करके एक टेक्नोलॉजी बनाई जो आपके आंसर्स, जो आपके क्वेश्चंस को आंसर्स कर सकती है, बिना आपको गूगल सर्च पे जाए, बिना कहीं पे सर्च किए, आप बस उससे एक कोई भी क्वेश्चन पूछिए और वो आपको ऐसे जवाब देगी जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं उसका। तो ये चैट जीपीटी है और ये एक जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी है। सब बहुत सिंपल भाषा में एक चैटबॉट है जिससे आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ही बात करें और ये एक नॉर्मल इंसान की तरह ही जवाब देगा। कोई क्वेश्चन मेरे को बताइए, क्या पूछना चाहेंगे आप इससे, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए मोदी जी की बात आई है तो मोदी जी की हिस्ट्री जान लेते हैं। हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हमें मोदी जी की हिस्ट्री बता दीजिए। आपने देखा कि कुछ सेकंड में, 5-6 सेकंड में इसने मोदी जी पे एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख दिया, जिस इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हमें शायद बहुत सारे गूगल सर्च करके पेजेस पढ़ के वो आर्टिकल प्रिपेयर करना पड़ता, इसने वो काम मेरे लिए 6 सेकंड में कर दिया। और ये आर्टिकल बिल्कुल ओरिजिनल है, ये प्लेगराइज नहीं है। मैं ये लैंग्वेज टेम्पलेट भी किसी भी प्लेगराइज्ड सॉफ्टवेयर पर टेस्ट करूंगा, मेरे को 0 रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये इसकी यूनिक लैंग्वेज है। अब इसकी रिपरकशन समझिए कि ऐसी टेक्नोलॉजी आजकल अगर बच्चे यूज करेंगे, मान लीजिए कॉलेज असाइनमेंट्स के लिए, स्कूल होमवर्क के लिए, कितनी आसान हो रही है उनकी लाइफ। कुछ करना ही नहीं है, चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछना है, हाथ के हाथ आंसर हो गया। आइडिया नहीं दे रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि कैसी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। नहीं, ओपन है। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को, मेरे दिमाग में थोड़ी शैतानी सोची, तो मैंने चैट जीपीटी से बोला कि यार मैं एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरे को अपने कस्टमर्स को एक ईमेल सेंड करनी है जिसमें उनको ये बताना है कि उनका अकाउंट इमिजिएटली लॉक हो जाएगा अगर उन्होंने अपने अकाउंट में पैन नंबर अपडेट नहीं किया, और पैन नंबर अपडेट करने के लिए उनको ये लिंक जो कि मैंने बनाया है, जो कि बैंक का नहीं है, ये लिंक भेजना है, इसके लिए एक ईमेल लिख दो। तो उसने मेरे को ये ईमेल जनरेट करी, शायद आपको क्लियरली इतनी विजिबल नहीं होगी, पर उसने मेरे को बहुत अच्छे से एक सब्जेक्ट लाइन लिख के दी जिसमें लिखा है इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, अपडेट योर बैंक इंफॉर्मेशन नाउ। और बहुत अच्छे से इसने, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, जो एक नॉर्मल बैंकिंग ईमेल में आप एक्सपेक्ट करेंगे, उसने मेरे को इतना सारा मैसेज लिख के भेज दिया जिसमें एक अर्जेंसी भी क्रिएट होती है, और उसने मेरा लिंक भी बड़े अच्छे से हाइड कर दिया, अपडेट योर पैन लिख कर। अब यही ईमेल अगर मैं, मान लीजिए कोई स्कैमर हूं, मैं कोई फ्रॉड करने वाला हूं, तो ये ईमेल यूज करके मैं अगर, मान लीजिए 1 लाख लोगों को भेजता हूँ, 1 लाख में से 1%, मान लीजिए 0.1% भी करते हैं, 100 लोगों ने कर दिया, 1000 लोगों ने कर दिया रिस्पॉन्स उसको, मेरा काम तो हो गया, मेरे को 2 सेकंड भी नहीं लगे ईमेल जनरेट करके भेजने में। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो अच्छा, चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट ही जनरेट नहीं करता, वो इमेज भी जनरेट कर सकता है। तो मैंने चैट जीपीटी बोला कि यार मेरे को अजय देवगन की इमेज चाहिए, तो पहले तो उसने मना कर दिया कि अजय देवगन एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और मैं उनकी इमेज जनरेट करूंगा तो ये कॉपीराइट इशू हो जाएगा, तो मैं नहीं कर रहा। तो मैंने उसे बोला कि चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, अजय देवगन का लुक लाइक इमेज तू मेरे को दे दे, जो चाय पी रहे। तो उसने मेरे को ये इमेज जनरेट करके दी। अब देखने से पता लग रहा है कि इमेज नकली है, पर एक इसका इफेक्ट समझिए कि आगे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी, इमेज की क्वालिटी भी बढ़ेगी। ये फर्क बताना कि ये जनरेटेड इमेज है या ये एक्चुअल इमेज है, या इस इमेज में इंसान एक्चुअली ये कर रहा है, इसने कभी किया है या नहीं किया है, वो फर्क बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये तो थी जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी। दूसरी है डीप फेक एआई। तो हमने पहले जो 3 वीडियोज देखे थे वो सब डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जिस और डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी भी इंसान को वो कहते हुए या वो करते हुए
एक कोई वीडियो या इमेज बना सकते हैं जो उसने कभी किया ही नहीं। हमने तीन वीडियो तो शुरू में देखे थे। ये वाला एग्जाम्पल है जिसमें एक रिसर्चर ने अपनी मदर की इमेज ली बचपन की और उनके अडल्टहुड की, स्टिल इमेज थी, जैसे आप अपने फोटोग्राफ एल्बम में फोटो देखते होंगे वैसी इमेज ली उन्होंने, और डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने ये वीडियो जनरेट किया है। सारी स्टैटिक इमेजेस हैं, स्टैटिक इमेजेस यूज करके उन्होंने वीडियो बनाया अपनी मदर का। और स्टैटिक इमेजेस से मेरा मतलब है कोई भी नॉर्मल फोटोग्राफ, जैसे फोटो एल्बम वगैरह में हम फोन पे खींचते हैं नॉर्मल फोटोग्राफ ऐसे। तो अब क्योंकि मोदी जी की बात हो रही है और मोदी जी वीडियो में ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, और बीजेपी का टाइम ही सरकार भी है और इलेक्शन भी आ रही है, तो ये एक वीडियो है जहाँ पे मोदी जी गरबा कर रहे हैं। मैं एक मिनट ये वीडियो फिर से चलाता हूँ क्योंकि इसके पीछे मोदी जी की स्पीच ही है, उनको पता है कि ये वीडियो उनके बारे में लीक हो रहा है। तो मजा आया सब देखा मोदी जी को गर्व करते हुए, लगा हुआ कि फेक है, लेकिन पहले आप व्हाट्सएप पे देखेंगे तो नहीं लगेगा कि फेक है। अब देखते हैं केस स्टडी कि यही टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे एक कंपनी ने 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उनको। तो हुआ ये था कि एक कंपनी के एम्प्लॉय को एक वीडियो कॉल आया, और उस वीडियो कॉल में एम्प्लॉय को लगा कि कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उनका, मतलब वीडियो सामने दिख रहा था कि भाई पर्सन भी वही है और आवाज़ भी वही निकाल रहे थे जो फेक कर रहे थे उसको। तो जिस बंदे ने वीडियो कॉल किया था उसने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उस कंपनी का पोर्ट्रेट करके उस एम्प्लॉय को बोला कि आप 15 ट्रांजैक्शन कर दो एक पर्टिकुलर अमाउंट के इन इन अकाउंट्स में। तो एम्प्लॉय को भैया सीएफ बोल रहा है, मैं कौन होता हूँ पूछने वाला, मैं तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, मैं इसको क्वेश्चन करूंगा और मेरी नौकरी जाएगी। तो उसने, और वीडियो कॉल पे कौन ही, मतलब जब मेरे को सामने दिख रहा है कि सीएफ बोल रहा है तो मैं क्यों ही शक करूंगा उस पर। तो उसने इस सोच के साथ पैसे ट्रांसफर कर दिए, और बाद में जब पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है तब तक काफी देर हो चुकी थी, 200 करोड़ 25 मिलियन डॉलर उस कंपनी के अकाउंट से जा चुके थे स्कैमर के खाते में। और तब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता लगा कि वो एक्चुअली एक डीप फेक कॉल था, वो कंपनी का सीईओ नहीं था, वो कोई और था जो कंपनी के सीईओ की इमेजेस जो पब्लिकली अवेलेबल थी और जो क्लिपिंग अवेलेबल थी वो वॉइस उन्होंने वहां से बनाई, वो यूज करके उन्होंने वो वीडियो कॉल करी थी। तो उस चीज को पहले अगर आपके साथ हो रही है और आपको नहीं पता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, उस चीज को सस्पेक्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। पर कुछ तरीके हैं जैसे आप पता लगा सकते हैं। अगर आपने किसी भी वीडियो को क्लियरली देखा होगा तो उसमें अनयूजुअल फेशियल मूवमेंट्स आपको दिखे होंगे इंसानों में, या तो वो लिप कह कुछ रहे, उनके लिप सिंक मैच नहीं कर रहे ऑडियो। तो ये तरीके हैं जिनसे आप बता सकते हैं कि ये वीडियो फेक हो सकता है, कि बंदा जो कह रहा है और वो मुंह से जो बोल रहा है वो सिंक नहीं हो रहा है, या फिर उसके एक्सप्रेशन या जैसे वो बॉडी मूवमेंट्स कर रहा है वो बहुत ही अननेचुरल तरीके से, या मतलब कुछ आपको लग रहा है कि यार ये नहीं, असली नहीं हो सकता। तो उस इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करिए और उसको ट्रस्ट करते हुए एक्शन लीजिए कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको सर्कुलेट नहीं करिए, या जो एक्शन वो वीडियो आपसे लेने को कह रहा है वो मत करिए। तो हमें करना क्या चाहिए कि अब इस केस में, खैर ये तो एक पहला ही केस था ऐसा, और सामने जब सीएफओ बैठा था तो बंदा कुछ भी नहीं कर पाया, पर ऐसा जब कुछ होता है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो जो इंसान कह रहा है उसको एक किसी ऑल्टरनेट मीडियम से, या तो ये वीडियो कॉल था, आप उस इंसान को फोन के थ्रू कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं ऑल्टरनेट मीडियम से, उससे वेरीफाई कर लीजिए कि आपने ही ये ट्रांजैक्शन करने को मेरे को बोला है कि नहीं बोला है। दूसरा, आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ, आपको पता लगे कोई ऐसा फ्रॉड है, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या फिर नियरेस्ट साइबर सेल में जाके उस केस को रिपोर्ट कीजिए। एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1930 जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, वहां पे भी आप ये केसेस रिपोर्ट कर सकते हैं। अब AI टेक्नोलॉजी यूज हो तो रही है और आने वाले टाइम में और ज्यादा यूज होगी, तो ऑब्वियसली इंडियन सरकार काफी चिंतित है इस बारे में। आपने अगर मोदी जी की रिसेंट स्पीचेस सुनी होंगी तो उन्होंने AI के बारे में बोला है कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है लेकिन इसका मिसयूज काफी हो सकता है। तो इसके लिए 7 नवंबर 2023 को उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स को एक डायरेक्टिव भेजा कि अगर आपके पास कोई ऐसी कंप्लेंट आती है कि ये डीप फेक या ये फॉल्स वीडियो है, तो आपको विद इन 36 आवर्स वो वीडियो अपने वेबसाइट से रिमूव करना है इन कंप्लायंस विद IT Act 2000 एंड IT Rules 2021। साथ ही में 15 मार्च 2024 को एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक गाइडलाइन निकाली है, एक एडवाइजरी निकाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सारी कंपनीज जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अगर वो AI टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि वो अपनी पूरी ड्यू डिलीजेंस करें उसको यूज करने से पहले और ये इंश्योर करें कि उसका मिसयूज नहीं हो रहा है, और अगर वो भी है तो वो उसको डिटेक्ट करने की भी कैपेबिलिटी उनके पास होनी चाहिए। जो ओरिजिनल गाइडलाइन आई थी उन्होंने उसमें सरकार ने ये बोला था कि आप कोई भी कंपनी अगर AI टेक्नोलॉजी यूज करती है तो उसको पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, पर उसका थोड़ा सा बैकलैश हुआ क्योंकि ऑब्वियसली वो एक इनोवेशन फैक्टर को हिंडर करती है, तो इसलिए उन्होंने गाइडलाइंस को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है। बट एट द सेम टाइम कर तो दिया है लेकिन रेगुलेशन पे काम हो रहा है, तो आने वाले टाइम में जैसे हमारी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया आई, वैसे ही आने वाले टाइम में एक AI पे भी रेगुलेशन, सिक्योरिटी गाइडलाइंस या सिक्योरिटी लॉ आने वाली है। दूसरे तरीका फ्रॉड होता है, जो सेकंड फ्रॉड की हम आज बात करेंगे वो है OTP फ्रॉड। OTP फ्रॉड में क्या होता है कि कोई भी फ्रॉडस्टर है, कोई स्कैमर है, वो कुछ ऐसा प्रीटेक्स्ट यूज करता है कि आपके पास कोई OTP आया और वो आपने उसको शेयर कर दिया, तो आपको ट्रिक कर देता है, या तो कोई वो अर्जेंसी क्रिएट करेगा आपके माइंड में कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी मेरी OTP दो, तो आप मैसेज नहीं पढ़ पाएंगे, आपने जो बस 6 डिजिट का नंबर देखा और वो शेयर कर दिया। तो इस केस में क्या होता है कि आपने कर तो लिया, आपने मैसेज का कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा कि वो बैंक का मैसेज था या कोई ऐसी मैसेज था, आपने नंबर देखा, नंबर शेयर कर दिया, बाद में जब आपने मैसेज पढ़ा या बाद में आपके पास और मैसेज आया तब पता लगा कि यार ये तो बैंक ट्रांजेक्शन का OTP था या ये तो मेरे नेट बैंकिंग अकाउंट का OTP था, ये मैंने शेयर कर दिया। तो इस केस में स्पेशली जो डिटेक्ट यूज करते हैं स्कैमर, ये बहुत स्किल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं, ये साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करना, एक ट्रस्ट, एक रेपुटेशन एस्टैब्लिश करना क्लाइंट के साथ, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है और बहुत अच्छे तरीके से भी सिखाया जाता है। तो ऐसे ही एक केस हुआ था, मेरे को पर्सनली ये केस थोड़ा नकली लगता है बट एक केस स्टडी अच्छी बना रहा है तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। हुआ क्या कि एक व्यक्ति ने, आदिश नाम था उनका, OLX पे एक डेट सेल करने का एडवर्टाइजमेंट लगाया 15,000 रुपये में। कुछ टाइम बाद उनके पास किसी बायर का मैसेज आया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं आपका बेड खरीदना चाहता हूँ। तो बायर ने पहले बोला कि अच्छा मैं आपको 15,000 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ बट मेरे एंड से ट्रांजेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो आप पहले मेरे को 500 रुपये भेजो उसके बाद फिर मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो आदेश ने पहले 500 रुपये भेजे तो उसके स्कैमर ने 10 रुपये लौटाए, फिर उसने बोला कि अच्छा आप मेरे को अब 1,000 रुपये भेजो, तो उसने 1,000 रुपये भेजे तो स्कैमर ने 5,000 रुपये लौटाए, फिर स्कैमर ने बोला कि अच्छा आप मेरे को 7,500 रुपये भेजो, और आप मेरे को 7,500 रुपये भेजोगे तो मैं आपको 15,000 रुपये वापस करूंगा। तो इस डबल इनकम और डबल ट्रांजेक्शन के लालच में और थोड़ा सा वो मल्टीपल स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रहे स्कैमर ने आदिश के साथ ट्रस्ट स्टैब्लिश कर लिया कि ये मेरे पैसे तो वापस कर ही देगा, ये इसको कुछ फाइनेंशियल, इसको कुछ दिक्कत आ रही होगी, ये शायद हो सकता है कि इसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने इतने ना आते हों तो मैं इसकी हेल्प ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो वो करते करते जो स्कैमर था उसने आदिश को कन्विंस किया उसकी अकाउंट डिटेल्स शेयर करने के लिए, और अकाउंट डिटेल्स उसकी शेयर, नेट बैंकिंग यूजर नेम पासवर्ड वो जब शेयर हो गए उसके साथ, तो ऑब्वियसली उसने ट्रांजेक्शन इनिशिएट किए और यही प्रिटेक्स्ट यूज करके उसने बहुत हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर लिया आदिश के साथ, और इन टोटल 68 लाख का उसको नुकसान हो गया, एक 15,000 का बेड जो वो ऑनलाइन पे बेचने जा रहा था उसकी वजह से।
अब आप सुनेंगे ये चीज तो आपको लगेगा कि यार क्या अटपटी चीज है, मुझे भी यही लग रहा था जब मैंने पहले न्यूज पढ़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हो सकता है ये फेक हो क्योंकि सारी डिटेल्स उस आर्टिकल में किसी भी न्यूज आर्टिकल में किसी भी न्यूज हाउस के आर्टिकल में नहीं है, पर ये न्यूज सारे न्यूज आर्टिकल पे टाइम्स ऑफ इंडिया जी न्यूज सब सबके सबके है। तो अब इन स्कैम्स को आप कैसे पहचानेंगे कि कोई मेरे को ऐसे स्कैम करने की कोशिश कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई भी बहुत बार कहते रहते हैं कि भाई हम या कोई भी बैंक आपसे ओटीपी या फिर कभी नहीं मांगेगा, तो आपको अगर कोई ऐसा ओटीपी शेयर करने को बोल ही रहा है, सबसे बड़ा इंडिकेटर तो वो है कि वो स्कैम कॉल है, कोई भी आपसे बैंकिंग ओटीपी कॉल पे कोई कोई कस्टमर केयर किसी भी बैंक नहीं मांगेगा, कभी नहीं मांगेगा। दूसरा, सामने वाले के बिहेवियर में थोड़े पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकते, जैसे इस केस में 5-10 रुपए का ट्रांजेक्शन ठीक था कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा वो टेस्ट करने के लिए काफी था, पर उसमें आधी लालच में आया कि यार मेरे को तो डबल पैसा मिल रहा है, तो वो उस लालच की वजह से वो देख नहीं पाया कि यार 15,000 का बैक सेल मैं करने जा रहा हूँ, उसके लिए वो मुझसे 1,000 का ट्रांजेक्शन पहले करवा रहा है फिर मेरे को 5,000 रुपए वापस दे रहा है। तो ये सस्पिशंस होने चाहिए माइंड में, थोड़ा सा सस्पिशियस माइंड होना चाहिए इन चीजों को लेकर स्पेशली। क्या नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए, और अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ उनकी सर्विस दे रहे हैं, तो और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो उनको लाइवली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपने प्योरली ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, उनको वेरीफाई करना चाहिए जैसे भी आपका प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग। और फाइनली इस ऐसे सब सारे ट्रांजेक्शन को सबसे पहले तो अपने बैंक को रिपोर्ट करिए, क्योंकि बैंक भी ये कहता है कि आपके पास अगर जैसे ही आपको पता लगे कि आपका ये ट्रांजेक्शन फ्रॉड है विदिन 24 आवर्स आपको बैंक को रिपोर्ट करना है, तभी बैंक उस पर एक्शन ले पाएगा, तभी आपकी लाइबिलिटी हट के बैंक की तरफ चले जाएगी कि बैंक कल को उसको रिफंड कर सकता है। अगर आपने 24 आवर्स डिले किया तो काफ़ी पॉसिबल है कि बैंक आपको ट्रांजेक्शन रिफंड नहीं करेगा, और साथ ही साथ उसकी FIR भी आपको फाइल करानी चाहिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। और लास्टली, जो भी OTP का मैसेज आ रहा है सिर्फ 6 डिजिट देख के OTP मत शेयर करिए, SMS का पूरा कंटेंट पढ़िए, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ के देखिए कि वो बैंकिंग OTP है या कोई और चीज़ का OTP है, ये चीज़ ध्यान में रखनी काफ़ी ज़रूरी है। आइए अब लास्ट टाइप ऑफ फ्रॉड की तरफ देख लेते हैं। लास्ट फ्रॉड है सर्च इंजन बेस्ड फ्रॉड, तो सर्च इंजन गूगल बिंग वगैरह तो हम सभी यूज़ करते हैं, तो अटैकर ये स्कैमर्स आजकल इन्होंने नई टेक्निक क्या निकाली है कि ये सर्च इंजन पे या तो एड्स के थ्रू फेक कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, या फिर फेक लिंक्स इस तरह से टॉप पे ले आते हैं कि आप अगर बैंक ऑफ अमेरिका सर्च कर रहे हैं और ये लिंक आपको पहले पेज पे दिखेगा 4th नंबर पे या 3rd नंबर पे, तो आप शक नहीं करेंगे जैसे कि यार पहले पेज पर वो लिंक दिख रहा है बैंक ऑफ अमेरिका का सही ही हो रही है। तो ये टेक्निक्स यूज करके ये लोगों को स्कैम करते हैं। अब वो स्कैम कैसे करते हैं वो लिखते हैं अपनी केस स्टडी में। अब इस केस में क्या हुआ कि एक बैंगलोर की लेडी थी, सोफिया यहाँ पे नाम है उनका, चेंज कर दिया ऑब्वियसली, उन्होंने सर्च इंजन के थ्रू उन्होंने पहले तो किसी ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म से मिल्क पैकेट मंगवाया जो कि खराब निकला, तो उन्होंने उसको रिटर्न करने की सोची, और रिटर्न जब करने की सोची तो उन्होंने गूगल पर सर्च किया कि इस ग्रोसरी प्लेटफॉर्म का कस्टमर केयर नंबर क्या है, और गूगल सर्च पे जैसे ही उनको जो पहला नंबर उन्होंने दिखा उस पर उन्होंने डायल कर दिया। अब जब उन्होंने डायल किया तो सामने से जो बात कर रहा था उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करने के लिए बोले, जिसमें से एक उनका UPI पिन भी था, और वो जब उन्होंने शेयर किया तो उनके अकाउंट से 77,000 रुपीज डेबिट हो गए। अब उन्होंने ऑब्वियसली किया ये होगा कि जो सामने स्कैमर है उसने उनके डिवाइस का कंट्रोल ले लिया होगा और उनको उनको समहाउ गाइड किया होगा एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के बाद कि ये मैं आप जो भी स्टेप ले रहे हैं ये आपको पैसे रिफंड करने के लिए है। तो इस केस ऐसे केसेस से बचने के लिए कभी भी आप किसी कंपनी की कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो गूगल पे जो नंबर दिखा रहा है उसको ट्रस्ट मत करिए, कंपनी की वेबसाइट पे जाके जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उस पे भरोसा करिए, जो वेबसाइट कंपनी की वेबसाइट पे जो नंबर है जो ईमेल आईडी है उसी पे कॉन्टैक्ट करिए। गूगल बहुत बार पहले पेज पे आपको बड़ा बड़े उसमें नंबर दिखा देता है कस्टमर केयर नंबर ये है, पर उसको उस पर भरोसा नहीं करना है हमें। दूसरी बात, कस्टमर केयर से आप जब भी बात कर रहे हैं तो वो कभी भी आपसे कोई भी बैंकिंग OTP या UPI पिन नहीं मांगेंगे, उनका मांगना बनता ही नहीं है और वो मांगेंगे भी नहीं।
अगर वो फ्रॉड नहीं है तो फ्रॉड है वो तो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी सतर्कता ही आपके बेनिफिट में आ सकती है कि अगर आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे कि यार ये ओटीपी मुझसे क्यों मांग रहा है उस समय, अर्जेंसी होती है दिमाग में कि यार मेरा पैसा अटका हुआ है, मेरे को रिफंड मिल जाए जल्दी से, मेरे को और भी काम करने हैं, तो वो काम को खत्म करने की अर्जेंसी दिमाग में जरूर होती है, लेकिन वो अर्जेंसी का ही ये लोग फायदा उठाते हैं, वो प्रेशर ही ये लोग क्रिएट करते हैं। और ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको दे स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके, तो उनको फॉलो मत करिए। अगर कोई अननोन सोर्स आपको कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, थोड़ा सा अपना विजिलेंस दिखाइए, थोड़ा सा अपना समझदारी दिखाइए कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब मैं तो पैसे रिफंड करने जा रहा हूँ तो मेरे को UPI पे क्यों भरना पड़ रहा है। आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको पैसा आना है तो उसके लिए तो UPI पिन नहीं लगता, आपको किसी को पैसा देना है उसके लिए UPI पिन लगता है। और लास्टली व्हाट टू डू, मैं वही कहूँगा कि बार बार अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो रहा है, आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है या आप किसी को जानते हैं किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो उनको रिकमेंड करिए कि वो 1930 जो गवर्नमेंट की साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उस पर जाकर रिपोर्ट करें। एक और केस स्टडी है जो सेकेंड और थर्ड फ्रॉड को कंबाइन करती है। इसमें क्या हुआ कि एक धनुष नाम का लड़का है, बैंगलोर का लड़का है, उसने एक लिकर स्टोर को कॉन्टैक्ट किया ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। अगेन उसने गूगल सर्च यूज करी, उसको जो पहला नंबर मिला उसने उस पर डायल कर लिया और उसने वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। और जो वहाँ पे कस्टमर केयर था उसने बोला कि आप मेरे को अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करो ताकि मैं आपके यहाँ ट्रांजेक्शन यहाँ पे प्रोसेस कर सकूँ। तो धनुष ने कर दिया अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, अपना नंबर, CVID और डेट एक्सपायरी वगैरह सब उसने शेयर कर दी उनके साथ। तो उसके अकाउंट से उसमें जो उसकी वैल्यू थी 4,000 रुपये कुछ थी, वो तो डेबिट हुए ही। फिर कुछ टाइम बाद धनुष के पास कॉल आया कि अब आपकी डिटेल्स हम अपने सिस्टम से रिमूव करना चाहते हैं, तो आपके पास एक OTP आया होगा वो बता दीजिए हमें, तो हम आपके आपकी डिटेल अपने सिस्टम से रिमूव कर लेंगे। तो धनुष ने जब ऐसा किया तो पहली बार तो उसके 1,79,000 रुपीज अकाउंट से डेबिट हो गए, दूसरी बार 1,56,000 रुपीज अकाउंट से डेबिट हो गए। इन टोटल 3.4 लाख का उसको लॉस हुआ। तो आइए अब जल्दी से देखते हैं कि कहां कहां आप साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट का पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, यहाँ पे लिंक है इसका cybercrime.gov.in। यहाँ पे आप जाइए तो वहाँ पे आपको साइबर क्राइम रिपोर्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा, वो एक फॉर्म देगा, उसको भर के आप अपनी साइबर क्राइम की कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930, इस पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नियरेस्ट लोकल पुलिस स्टेशन में भी आप FIR लिखा सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे कि आप इसके FIR क्यों लिखा रहे हैं। साथ ही में अगर कुछ विमेन या चाइल्ड स्पेसिफिक साइबर क्राइम का केस है तो आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन 112 या 100 पे या 181 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जगह जगह साइबर सेल बनाए हुए हैं जिनका काम ही है वो साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करके, उनका काम ही है कि वो साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। आई थिंक यहाँ से नियरेस्ट या तो नोएडा में है और एक गुड़गांव में है। तो RBI ने ऐसे नोडल साइबर सेल्स की लिस्ट पब्लिश करी हुई है, ये जो लिंक्स जो मैं आपको बता रही हूँ मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा बाद में, तो लिंक्स आपके पास आ जाएंगे सर। अब है इंटरेस्टिंग टाइम, गिफ्ट्स का टाइम है अब। मेरे पास आपके लिए कुछ प्राइजेस हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं और एक 5 क्वेश्चंस की क्विज है आपके लिए। आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्या मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा ऑप्शन बता लूंगा, आपको बस हाथ खड़ा करना है और सही आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है विच इज द रियल वेबसाइट ऑफ जीमेल। यहाँ पे दो ऑप्शन है, gmail.com। अब शायद प्रोजेक्टर पे तो आपको क्लियरली नहीं लिख रहा होगा, बट इस वाले जीमेल में और इस वाले जीमेल में जो ए बना हुआ है उसका डिफरेंस है। ए, हाथ खड़ा कर दीजिए। ए सही जवाब है इसका। अगर आप इसको क्लोज देखेंगे, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में प्रोजेक्टर में है तो इसलिए क्लियरली नहीं दिखाई देगा, पर प्रेजेंटेशन में जब आप अपने लैपटॉप पे या फोन पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो ए है यहाँ पे और यहाँ पे ये हल्का सा डिफरेंट है। और नॉर्मली अगर आप, मैं यहाँ पे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इसलिए आप थोड़े से सतर्क हैं, पर नॉर्मली ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी तो आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। अगर यही मैं आपको मेल पे लिंक भेजूँ आपने डिफरेंस बता पाएंगे। अब आपको डिफरेंस सिखाई दे रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, वो आपको वैसे ही बताऊंगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज जब हम करते हैं तो इसमें से सबसे बड़ा रिस्क क्या है? ऑप्शन ए है इंटरनेट यूजेज इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन बी है कि आपकी आइडेंटिटी चोरी हो जाती है, ऑप्शन सी है कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है, और ऑप्शन डी है कि वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। मेरे को आवाज नहीं दे रही है, हाथ में दिखाई दे रहा है। बात तो सही है। अभी यहां से बी को शाउट कर रहा था, वो कौन कर रहे थे? सारे ही कर रहे थे। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आप हाथ उठाएंगे, आंसर कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं सारे प्राइज घर ले जाऊंगा, किसी को प्राइज नहीं मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि आपके पास एक ओटीपी आया और उसके बाद एक कॉल आया जो आपसे ओटीपी मांगते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अभी ऑप्शन नहीं बोलने, और इसमें जो ऑप्शन ऐसे बोलेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाथ खड़े करने मैं सिलेक्ट करूंगा कि किसे आंसर सुनना है मेरे को, ठीक है? पहला है कि ओटीपी शेयर कर दीजिए, दूसरा है कि कॉलर से पूछिए कि उनको ओटीपी क्यों चाहिए, तीसरा है कि ऑप्शन आप कॉलर को एंटरटेन ही मत करिए, तीसरा है कि उसको रिपोर्ट, चौथा है कि रिपोर्ट कर दीजिए, और पांचवा है कि ये चेक करें कि वो ओटीपी उसने जनरेट कैसे किया। सुनाई दे गया, इधर दीजिए माइक, अंदर माइक आ रहा है। बस डी डी ई सी एन डी, और कोई आगे दे दीजिए माइक एक बार, बी फॉर बॉम्बे, उधर माइक पास कर दीजिए एक बार। ई डी डी फॉर डेली, ठीक है, इधर पास माइक पास कर दीजिए। बी सी और ई, ओके, एक्सेप्ट ए सारे, एक्सेप्ट ए सारे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। सी डी एंड ई, बी इसका ऑप्शन आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप कॉलर से पूछेंगे कि उसको ओटीपी क्यों चाहिए, तो मैंने भी जैसे कि बताया कि वो ट्रेंड होते हैं आपको इस चीज में मैनिपुलेट करने के लिए या प्रीटेक्स्ट एस्टैब्लिश करने में, कि वो आपको कन्विंस कर देंगे कि उनको ओटीपी क्यों चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन नहीं है इसका। सी डी ई किसने बोला था? सी डी, सी डी ई किसने बोला था? तीन ऑप्शन किसने बोले थे? नहीं बोला, सी एन डी बोला था, तो सी एन डी वालों को मिलेगा, कोई बात नहीं, आप कर सकते। तो इवेंचुअली सी और डी करने के बाद आपको ई जरूर चेक करना चाहिए कि वो जनरेट कैसे किया, अगर आपका नेट बैंकिंग पास आपका गिफ्ट मेरे पे ड्यू रहा। कोई बात, बिल्कुल ऑरेंज चाहिए। मजा आ रहा है सबको? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, अगेन इसमें मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है। तो क्वेश्चन है कि अपने अकाउंट्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पहला है कि आपके अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ाता है, दूसरा है कि आपको विदाउट पासवर्ड लॉगिन करने का ऑप्शन देता है, तीसरा है कि आपके अकाउंट की प्राइवेसी बढ़ाता है। अब ये तो तीन बेनिफिट मैंने आपको बताया, ऑप्शन ये है कि सिर्फ पहला वाला, दूसरा वाला, वन एंड टू या थ्री? सी। और कोई? सी। हाँ ओके, ए ए डी सी, और कोई? ए, ओनली ए, ओके। चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर है सी, वन एंड टू।
थ्री वाला इसलिए नहीं है क्योंकि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करेंगे तो आपकी प्राइवेसी अकाउंट की इम्पैक्ट नहीं करता है। प्राइवेसी सेटिंग्स अकाउंट में अलग से होती हैं जो आप कॉन्फिगर कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑब्वियसली बढ़ाता है, साथ में कई ऐप्स आपको, कई प्लेटफॉर्म्स आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर रखा है तो आप सिर्फ ओटीपी यूज करके लॉग इन कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये हमने अभी कवर किया था कि इन इंडिया आप साइबर क्राइम कहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, साइबर सेल, ये तो सबको पता है। ये सबको पता है तो इसका इसका प्राइस मैं अपनी चॉइस से दूंगा। आ जाओ, तो यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है और आपके लिए फ्लोर ओपन है कि आप कुछ क्वेश्चंस अगर मुझसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हो। अभी आप बता रहे थे कि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं कस्टमर केयर नंबर, तो गूगल को कस्टमर केयर आता कहाँ से है नंबर? वो यूजली गूगल ट्राई करता है कि कंपनी की जो वेबसाइट है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके वो आपको दिखा दे ताकि आपको लिंक क्लिक ना करना पड़े, वो आपकी लाइफ आसान बना रहे हैं। लेकिन उसी चीज का फायदा ये फ्रॉडस्टर्स भी उठाते हैं, वो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज करके सर्च इंजन को ट्रिक कर देते हैं कि वो उनका चुना हुआ नंबर दिखा दे। मान लीजिए आपने एक्स वाई जेड कंपनी सर्च करी तो इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी का एक्चुअल नंबर दिखाने के बजाय स्कैमर्स ने जो टेक्निक्स यूज करी है उसके थ्रू आपको स्कैमर्स का चूज किया हुआ नंबर दिखेगा। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे इस तरह से मैसेजेस आते हैं, वीडियो कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं पता करना चाहता हूँ, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दे कि ये कॉल्स आ रही है, इस कॉल को उठाना नहीं चाहिए, ये मैसेज गलत है, कोई तरीका तो होना चाहिए इसको पता चलने का। एक सेट तरीका बताना बहुत मुश्किल है, पर जैसे कॉल्स के बारे में अगर बात करें, मेरी जनरली प्रैक्टिस रहती है कि मैं अननोन नंबर से कोई कॉल आया तो मैं नहीं उठाता उसको, पहले मैं पहले ट्रू कॉलर पर चेक करता हूँ कि वो नंबर जेन्युइन है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रू कॉलर पर भी नहीं दिखाता कि वो स्पैम है, तो मैं कॉल करके चेक बैक कर लेता हूँ। ईमेल के उसमें या मैसेज के उसमें अगर आपको लग रहा है, मान लीजिए आपके पास कोई बैंकिंग मैसेज आया, आप नंबर चेक करिए। यूजुअली जो बैंकिंग मैसेज आते हैं उनका एक फिक्स्ड हेडर होता है 6 या 5 कैरेक्टर्स का, INDIA या SBI कुछ ऐसा होगा। पर अगर आपको किसी 10-digit मोबाइल नंबर से बैंकिंग SMS आ रहा है तो वो डिटेक्ट मतलब वो फॉल्स है। मैं उदय जी ये पूछना चाहता था कि केसेस तो रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत बढ़ता जा रही है ना, लेकिन रिजॉल्व भी होते हैं क्या? बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस, जैसे यहाँ पे भी जॉनी सेंटर वाले हैं 46-47 लाख रुपया उनका हो गया था, 68 लाख आपने बताया। एक और केस था कि एक लेडी ने पार्सल कुछ भेजा अब्रॉड और बॉम्बे से उसके पास फोन आया, वीडियो कॉल आया और उसको उसी पर उन्होंने बिठा लिया, बोला उसके अंदर तो ड्रग्स हैं, ये हैं और आपका खिलाफ हो गया, 10 लाख रुपए उसको इतना उन्होंने वो किया, 10 लाख रुपए ट्रांसफर करा दिए उसके, क्या आपको बचना है। तो इसमें मतलब रिपोर्टिंग तो होगी लेकिन इसके बाद क्या ही रिजॉल्व भी होते हैं, व्हाट इज द सक्सेस रेट इनका? जनरली सक्सेस रेट अगर आप फाइनेंशियल टर्म से पूछें तो पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है इसमें। उसका कारण ये कि जैसे ही पैसा स्कैमर्स के पास या फ्रॉडर्स के पास जाता है वो दूसरे अकाउंट में मूव कर देते हैं। उस केस में बैंक भी कुछ नहीं करता, चाह के भी बैंक कुछ नहीं कर सकता, जब पैसे उनके पास आएंगे तो आपको कहाँ से देगा, पैसा मूव आउट हो गया अकाउंट में से। पर अगर आपने मान लीजिए ट्रांजेक्शन की आपको एकदम से लगा कि ये चीज़ गलत है तो आप बैंक को रिपोर्ट करेंगे, तब बैंक उस पर एक्शन ले सकता है विदिन 24 आवर्स। और दूसरी बात है इन्वेस्टिगेशन होती है इन केसेस पर, जैसे किसी के साथ फ्रॉड हुआ तो एक अकेली कंप्लेंट नहीं होती, ऐसे और भी 5-6-10 केसेस पुलिस के पास आए होंगे कि सेम फ्रॉड हो रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और बहुत सारे केसेस में टीम पकड़ी भी गई है जो इन स्कैम्स के पीछे होती है। एनी डेस्क एक अपना रिमोट शेयरिंग सॉफ्टवेयर, जैसे जैसे TeamViewer अगर आपको पता होगा, उसके थ्रू आप किसी से भी अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं लैपटॉप का, कंप्यूटर का। हाँ हाँ, तो यक्षास जो है वो
मैं एक नाम से जो भी मैं साइबर सेफ्टी इनिशिएटिव चलाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, जो भी बनाता हूँ वो मैं उस नाम से चलाता हूँ। एक कंपनी को ऐसे रजिस्टर्ड नहीं है ना कोई, अभी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी आपको कुछ हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली मैं हूँ, फिलहाल तो मैं ही हूँ अक्षर और कोई नहीं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके, आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लेके मेरा सेशन सुना, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी को कि आप यहाँ पे आए, आपने मेरी बातें सुनी, मेरे से इंटरेक्शन किया और कुछ मेरे को सिखाया, कुछ मुझसे सीखा। तो आपके टाइम के लिए जो आपने मेरे को अपना 45 मिनट्स 50 मिनट्स एक घंटा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आगे ही मुझे ऐसी ही अपॉर्चुनिटी देते रहें। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आकाश अंकल को और सुनील अंकल को कि मेरे को यहाँ पे आके ये मंच दिया कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन, अपना साइबर सेफ्टी जो मेरे दिल के काफ़ी करीबी टॉपिक है, मैं उस पर आप लोगों से बात कर सकूँ। थैंक यू। अगर सो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ यक्षा साइबर सेफ्टी चैंपियंस के नाम से, जिसमें मैं ऐसा ही सब कंटेंट शेयर करते रहता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है वो ग्रुप, कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इससे आपको ज्वाइन करना है, अगर आपकी मर्जी है, आपका मन है, तो ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।